Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. चंद्रयान 1 के ग्रैंड सक्सेस के बाद 22 जुलाई को इसरो ने फाइनली चंद्रयान 2 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। श्रीहरिकोटा से चांद के दक्षिणी ध्रुव तक की हमारे इस देसी चंद्रयान के करीबन 48 दिनों की सक्सेसफुल जर्नी के बाद चंद्रयान 2 को फेलियर का सामना करना पड़ा। विक्रम, जो कि लैंडर का नाम है, सॉफ्ट लैंडिंग करते वक्त जब वो चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर ऊपर था, इसरो का विक्रम से कनेक्शन टूट गया। Vikram lander descent was as planned and the normal performance was observed up to an altitude of 2.1 km. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. विक्रम लैंडर 7 सितंबर के सुबह करीबन 1:53 पर लैंड करने वाला था और इसे मुमकिन बनाने के लिए उसे एक सीरीज ऑफ ब्रेकिंग मैनूवर्स फॉलो करने थे, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। चंद्रयान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, ना कि क्रैश लैंडिंग, जहां पर कि ऑब्जेक्ट को सरफेस पर क्रैश करवाया जाता है। चंद्रयान को धीरे धीरे चांद की सतह पर उतरना था, जो कि सच बोले तो बहुत मुश्किल प्रोसेस है। सोवियत यूनियन ने करीबन 18 अटेम्प्ट्स किए हैं सॉफ्ट लैंडिंग करने के, जिसमें से सिर्फ 3 ही सफल हो पाए। विक्रम लैंडर को 2 फेजेस में लगभग ये नामुमकिन काम को अचीव करना था। नंबर 1 रफ ब्रेकिंग फेज एंड नंबर 2 फाइन ब्रेकिंग फेज। लैंडिंग के दौरान विक्रम ने रफ ब्रेकिंग फेज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, जहां पर 4 बूस्टर रॉकेट्स एक साथ सिंक में फायर करते हैं और विक्रम लैंडर की स्पीड को करीबन 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक लेके आते हैं। लेकिन फाइन ब्रेकिंग फेज के दौरान जब लैंडर 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव कर रहा था और जैसे ही 2.1 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचा, ड्यू टू अननोन रीजंस इसरो का लैंडर से कनेक्शन टूट गया। लेकिन हम इंडियंस भी कहां इतनी हार मानते हैं। इसरो के चीफ ने भी कहा है, विक्रम लैंडर से कम्युनिकेट करने की कोशिश लगातार जारी है और हर वो चीज़ की जाएगी जिससे हम अपने मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर पाए। ऑर्बिटर की बात करूँ तो, जो कि करीबन 150 किलोमीटर दूर है चांद की सतह से, अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहा है और कीमती डेटा कलेक्ट करके इसरो के पास हर पल भेज रहा है। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।